जी, मेरा नाम सईदा है, मैं भिटसा की रहने वाली हूँ। हम उर्दू जबान बोलते हैं। हमारे माँ बाप गरीब थे और मतलब पढ़ना लड़कियों को इतना वो नहीं समझते थे कि हम लड़कियों को ज़रूरी पढ़ाएं। बिरादरी की क्या कहेंगे और लोग बातें बनाएंगे, बातों से डरते थे। ऐसे रिश्तों में रुकावट होगी और कुछ मतलब ऐसे मसाले आगे आएंगे तो इनके लिए परेशानी होंगी। तो भाइयों ने फिर भी 5-5 जमात पढ़ ली थी, हमने तो 5 छोड़ 1 जमात भी नहीं पढ़ी थी। तो मैं अनपढ़ रही ना, तो मुझे अपना हर कदम पे महसूस होता तो मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकती। फिर मैंने बोला मैं अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखूँगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी और मेरे बच्चे पढ़ के और किसी के मोहताज ना रहें। मेरे शोहर के गुर्दे फेल हो चुके थे, उनको मना कर दिया था डॉक्टर ने, भाई आप काम नहीं कर सकते। फिर मैंने काम शुरू किया, मेरे शोहर से होता नहीं था इतना, मैंने अपना काम घरों में शुरू किया। जब घरों में जाके घर का काम करना जी, उनके बच्चों को मैं देखती थी ना, उनकी कापियाँ किताब उठा के मैंने ये अलिफ बनाने की कोशिश करती थी, शीन बनाने की कोशिश करती थी, हर अल्फाज में मैं कोशिश करती थी कि ये अल्फाज में बना लूँ। तो ऐसे ही मैंने अपना नाम लिखना सीखा था। मैंने बोला मेरा नाम इस नमूने से लिखा जाएगा। आगाही हमारे यहाँ शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि भाई हमारे आगाही भाई स्कूल का प्रोग्राम शुरू हो रहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद गई चलकर, मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है और मेरे लिए टाइम का इतना मुश्किल हो चुका था। फिर मैंने बोला टाइम मैंने अपने लिए निकालना, ये टाइम मेरी काम का है, ये टाइम मेरी पढ़ाई का है। फिर भी मैंने ना 2 घंटे निकाले, 10 से 12 बजे तक का टाइम निकाला। मैंने काम वालियों को मिन्नत करके मैंने बोला आपके पास मैं मतलब 12 बजे आ जाया करूँगी, बाकी मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें थोड़ी आप मेरी मदद करें। उन्होंने मेरी बात मान ली, मैं 12 बजे जाया कर, जैसे छुट्टी होती मैं उधर अपने काम पे जाया करती थी और दूसरे दिन वापस मैं अपने स्कूल मतलब 2 घंटे देती थी। ना मैं इतनी छुट्टियाँ करती थी और ना मैं मतलब वो गैर हाजिर होती थी। बस थोड़े दिन 2-4 दिन तो मुश्किल लगा, फिर हमें अच्छा लगने लगा। हर अल्फाज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये अल्फाज हमें अपने दिमाग में बिठा के और हमें पढ़ना है। आगाही से पहले मुझे पता नहीं था भाई हिसाब किताब क्या करना है। मुझे आगाही स्कूल में पढ़कर मुझे इतना महसूस हो गया कि भाई मैं जो हिसाब चीज़ें लेने जाती हूँ ना, उन चीज़ों में से पैसे अपने हिसाब से लेती हूँ और उनसे जो वापसी चीज़ें लेती हूँ ना, वो पैसे देते ना अपने हिसाब से उनसे वापस पैसे लेती हूँ। मुझे ये मालूम हो गया कि भाई मुझे इतने पैसे मैंने इतने दिए हैं और मुझे इतने मेरे पैसे बचे, तो वो पैसे मुझे वापस लेने। फिर मेरा भी है ना दिल का हार्ट अटैक हुआ था और दवाइयाँ जो भी दवाइयाँ होती हैं ना उनका मैं नाम पढ़ लेती हूँ। सबसे बेहतर बात तो ये है कि मैं मिलीग्राम पढ़ लेती हूँ, तो मुझे इतने पावर की गोली खाती, ज़्यादा की अगर कोई देता भी मैंने बोला भाई ये गोली बहुत 20 पावर की मैं नहीं खा सकती, मुझे 10 की दो और 5 की होगी तो मैं 2 खाऊंगी। क्या वो मेरे नवासा नवासी आए ना यहाँ पे, तो उन्होंने मेरी किताबें चेक की, मेरी कॉपी चेक की, तो बोला नानी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं नानी, आपको तो बहुत अच्छा आता है, हमारी दादी को तो आता ही नहीं है। मैंने बोला दादी को भी तुम्हारे को स्कूल लेकर आऊंगी। ऐसे बोलते हो रोचे।